अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन आवर बायोलॉजी लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ अबाउट द किंगडम प्रोकैरियोटी। दिस किंगडम फॉर्मली नोन एज किंगडम मोनेरा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव द प्रोकैरियोटिक सेल। यू आर वेरी वेल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, अ सेल दैट इज विदाउट अ सेल विदाउट अ प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एंड दे डू द सेल दैट डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। इस चैप्टर में हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया रेंज फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर, दैट इज द रेंज। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज 0.1 to, दैट इज मैक्सिमम रेंज टू 600 माइक्रोमीटर। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट बिलोंग्स टू ग्रुप प्लाज्मो माइक्रोप्लाज्मा, दैट इज साइज ऑफ 100 to 200 नैनोमीटर इन डायामीटर, दैट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस। सबसे छोटे बैक्टीरिया जिनका ताल्लुक क्लास ग्रुप माइक्रोप्लाज्मा से है, इनका साइज तकरीबन 100 से 200 नैनोमीटर होता है, जो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज है। एसेशिया कोलाई ई कोलाई, इट्स साइज इज 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ई कोलाई के बारे में, एसेशिया कोलाई के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वायरस का होस्ट है और वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर मल्टीप्लाई करता है और इसको अपना शिकार बनाता है। स्पायरोकीट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया दैट रेंज फ्रॉम साइज 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्टैपिलोकोकस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आर 0.75 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एप्लोपाइसियम फिसलोनी इज द ह्यूज बैक्टीरियम दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द सम फिशेज एंड इट्स साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 600 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 80 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड इट इज लिटिल बिट स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफी। सो दिस इज द बैक्टीरिया दैट कैन is this that is little bit smaller than the printed hyphae, and as you can see that the some bacterial cell and the some prokaryotic cell are even larger than the eukaryotic cells. So the topic that we studied here, this topic, the size of bacteria is important from the point of MCQs and short question. The examiner may ask you about the size of any bacteria in exam. For example, the E. coli size is 1.1 to 1.5 micrometer, option A. Option B, 1.1 to 2.5 micrometer, option B, 1.5 micrometer to 2.5 micrometer. And you have to choose the correct option, that what is the size of the E. coli, Escherichia coli, that is 1.1 to 1.5 micrometer. So in this there is also a short question. यहाँ पे एक short question भी है, that is the about examiner may ask you about the short question that with what is the size of the huge bacterium and what or what is the size of Apocycelium fissaloni. So you have to answer, that is in the last bullet point, that is the huge bacteria that size is 1600 micrometer in length and 80 micrometer in width, that is little bit smaller than the printed hyphae. Now we will discuss about the shapes of the viruses, shapes of the bacteria. Bacteria present in different shapes and even bacteria may alter their shapes. Some bacteria present in throughout their life in the same shape, and these are known as homeomorphic, and some bacteria may able to change their shape, and that is known as paleomorphic. Some commonly present shapes of the bacteria is the cocci. कोकाई आर द स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया। कोकाई क्या चीज़ है? हम बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया मुख्तलिफ शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। कोकाई जो है बैक्टीरिया की एक शेप का नाम है, और इस शेप में जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप होती है या स्फेरिकल होती है, यानी कि गोल होते हैं। एक अगर सिंगल गोल बैक्टीरिया हो तो उसको कोकस बोलते हैं, और अगर दो बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया ओवल शेप बैक्टीरिया दो इकट्ठे मौजूद हों, पेयर की फॉर्म में मौजूद हों, तो उसको डिप्लोकोकस अरेंजमेंट बोलते हैं।
जैसे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लोकोकस अरेंजमेंट. बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन. इफ द कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन्स दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट. You have to be very aware about the streptococcus. That examiner may ask about the shapes and arrangement of the bacteria. So, जब bacteria round shape bacteria, oval shape bacteria एक chain की form में, जैसे एक तस्बी के अंदर दाने जुड़े हुए होते हैं, इस form में present होंगे तो इस shape को बोलते हैं streptococcus arrangement. आप यहाँ पे सिंगल एक कोकाई देख सकते हैं, एक सिंगल कोकस, दैट इज द एक अकेला बैक्टीरिया. जब ओवल शेप बैक्टीरिया हो तो उसको बोलते हैं कोकस, और अगर दो ओवल शेप बैक्टीरिया इकट्ठे हों तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस, और अगर बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में जुड़े हों तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट शेप जो है बैक्टीरिया की, दैट इज द टेट्राड अरेंजमेंट. जब बैक्टीरिया दो डिवीजन जो है, दो बैक्टीरिया आगे हों और दो बैक्टीरिया पीछे हों, दैट इज़ द टेट्राड अरेंजमेंट. जब चार बैक्टीरिया मौजूद हों, या फिर इस अरेंजमेंट में ऐसे भी हो सकता है जैसे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है जिसमें एट बैक्टीरिया का जो क्यूब होगा इन थ्री प्लेन्स, दैट इज़ नोन एज सार्सिना. इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ग्रेप्स की क्लस्टर्स की फॉर्म में, इररेगुलर फॉर्म में भी होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैफिलोकोकाई और स्टैफिलोकोकस. इस शेप में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो इररेगुलर शेप में पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दैट इज़ द इररेगुलर अरेंजमेंट दैट इज़ इन द ग्रेप क्लस्टर, क्लस्टर्स की फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज स्टैफिलोकोकाई. सो आपको जो है एग्ज़ाम में किसी की शेप के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैफिलोकोकस, व्हाट इज़ द डिप्लोकोकस, और यूजुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो आता है आपको डिफरेंस बताएं बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफिलोकोकस. सो स्ट्रेप्टोकोकस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ द बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, वाइल द स्टैफिलोकोकस इज द क्लस्टर ऑफ द बैक्टीरिया इन रेगुलर शेप. सो आपने बच्चों ये जो ध्यान से स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस का ये अच्छी तरह इसका फ़र्क याद करना है. नेक्स्ट बैक्टीरिया जो है बैसिलस शेप है, दैट इज़ द बैक्टीरियल रोड शेप स्ट्रक्चर. अगर बैक्टीरिया गोल शेप के बजाय एक रोड की शेप में प्रेजेंट हो तो इसको बैसिलस शेप बोलते हैं. बैसिलस शेप जो है इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. अगर एक सिंगल बैक्टीरिया हो एक रोड की फॉर्म में तो दैट इज़ नोन एज बैसिलस बैक्टीरिया. स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होंगे, जब बहुत सारे रोड शेप बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में होंगे तो दैट इज़ द स्टैपिलोबैसिलस. और डिप्लोबैसिलस क्या होगी, जब दो रोड शेप बैक्टीरिया पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो दैट इज़ द डिप्लोबैसिलस. कोकोबैसिलस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इन विच बैक्टीरिया आर मे बी रोड शेप और मे बी द स्फेरिकल शेप. तो ये दोनों कंडीशंस इसमें एग्जिस्ट करती हैं. आप यहाँ पे बैक्टीरिया की शेप, बैसिलस शेप भी देख सकते हैं. एक सिंगल बैसिलाई है, एक सिंगल बैक्टीरिया है. ये हमारे पास कोको बैसिलस है जो राउंड शेप में भी है और रॉड शेप में भी है, इन बिटवीन है. यहाँ पे डिप्लो बैसिलस देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर में, दो बैक्टीरिया इकट्ठे जो हैं रॉड शेप बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं. स्टैपिलो बैसिलस क्या है, जब स्ट्रेप्टो बैसिलस, जब बहुत सारे रॉड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में जुड़े होते हैं. थर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द स्पायरेला और स्पायरल शेप बैक्टीरिया. दिस इज़ द स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर. द बैक्टीरिया आर यूजुअली स्पायरली कोलाइड कॉइल्ड एंड दिस मे बी इन थ्री फॉर्म्स, विब्रो, स्पायरेलम एंड स्पायरोकीट. अच्छा जी बेटा, अब यहाँ पे ये तीन तरह की बैक्टीरिया की स्पायरल शेप स्ट्रक्चर है. विब्रो दैट इज़ द कर्व शेप और कोमा शेप स्ट्रक्चर. कोमा एक लिखा हुआ होता है जैसे, या एक कर्व डाला हुआ होता है, एक सिंगल विब्रो वैसा होता है. स्पायरेलम दिस इज द थिक रिजिड स्पायरल स्ट्रक्चर एंड द स्पायरोकीट इज द थिन फ्लेक्सिबल स्पायरल स्ट्रक्चर. तो स्पायरेलम और स्पायरोकीट का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इनके दरमियान में बेसिकली क्या फ़र्क है. स्पायरेलम जो स्ट्रक्चर है दैट इज थिन, वाई द स्पायरेलम इज द थिक, वाई द स्पायरोकीट इज द थिन. स्पायरेलम जो है दैट इज द रिजिड स्पायरल. बोथ आर बेसिकली स्पायरेलम और स्पायरोकीट दोनों ही स्पायरल शेप स्ट्रक्चर हैं,
लेकिन इनकी थिकनेस का फ़र्क है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का फ़र्क है। जो स्पाइरेलम बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर द थिक बैक्टीरिया, रिजिड बैक्टीरिया एंड देयर शेप इज स्पाइरल शेप, वाइल द स्पाइरोकेट बैक्टीरिया इट इज द थिन, दीज आर द थिन बैक्टीरिया एंड फ्लैक्सीबल बैक्टीरिया। इन द लास्ट स्लाइड यू कैन सी अबाउट द ओवरऑल कंपेरिजन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द बैसिलस बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया एंड द स्पाइरल बैक्टीरिया। सो हेयर वी विल इन टू डी लेसन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताए हैं आपने मार्क करने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स के बारे में आ सकते हैं, स्टेप्टोकोकस और स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया कैसे हैं, स्पाइरेलम और स्पाइरोकीट बैक्टीरिया का क्या फ़र्क है, तो ये आपने अच्छी तरह इसके बारे में डिस्कस करना है और प्रिपेयर करना है।